हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस ने हार पर समीक्षा का फैसला ले लिया है, जिसके तहत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा शामिल नहीं हुए। इस बैठक में हरियाणा को लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस प्रत्याशियों और प्रदेश के नेताओं से मिलेगी और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को देगी। साथ ही कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से मिलेगी। सो फिलहाल कांग्रेस में लगातार चिंतन और मंथन चल रहा है हार के कारणों को जानने के लिए। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है जो पहचानेगी कि क्या कारण रहे कांग्रेस की हार के। सो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में मंथन किया गया और एक कमेटी बनाई गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो ये जानने और पहचानने की कोशिश करेगी कि हार के कारणों का आखिरकार वजह क्या रही है। सो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस प्रत्याशियों से मिलेगी और कांग्रेस के प्रत्याशी ही बताएंगे कि आखिरकार हार के कारणों की क्या वजह रही है। प्रदेश के नेताओं से ही कमेटी जो है वो जानकारी देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। फिलहाल अभी दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने पर मंथन हुआ और अब ये कमेटी जो है वो हार के कारणों का पता लगाएगी। कांग्रेस का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने पर फैसला हुआ है और अब ये कमेटी यानी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस प्रत्याशियों से मिलेगी और ये बताएंगे कि हार के कारणों की असली वजह क्या रही है। तो फिलहाल कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा हरियाणा चुनावों में और इसी के चलते अब लगातार पार्टी चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार हार के कारणों की क्या वजह रह पाई है। और इसी को जानने के लिए अब कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला ले लिया है। अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये जानेगी कि आखिरकार असली वजह क्या रही हार की, क्योंकि आपको बता दें चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही थी और साफ तौर पर ये कह रही थी कि हम ही चुनाव जीतेंगे और बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स इसके उलट निकले। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी बैठकें कर रही है, मंथन किया जा रहा है, वजह पता लगाई जा रही है कि आखिरकार हार के कारणों की असली वजह क्या है। और इसी के चलते कमेटी बनाने पर फैसला हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। प्रदेश के नेताओं से भी कमेटी जो है जानकारी लेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले पार्टी एकदम आश्वस्त थी, कॉन्फिडेंस में थी कि चुनाव हम ही जीतेंगे, हम ही सीटें लेकर आएंगे, लेकिन इसका उलट हुआ और अब जिस तरह से निराशा हाथ लगी है कांग्रेस को, कमेटी बना दी गई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, अब वो असली वजह पता लगा पाएगी कि आखिरकार क्या वजह रही, पार्टी किस तरह से हारी, क्यों हारी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो अब सबके सामने है, जो आपसी कलह थी, गुटबाजी थी, उसके बाद जो कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच जो कुछ था वो तमाम चीजें वहां पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अब आज चुनाव को लेकर पूरी चर्चा जिस तरीके से हुई और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपने आप में अब उसको क्योंकि समयबद्ध तरीके से वो हर नेता से मिलेगी और उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि उनसे पूछा जाएगा कि हार का कारण वो किसको मानते हैं, किस चीज से उनका ये तमाम चीजें हुई, तो ये सब उनके साथ चर्चा वहां पर की जाएगी और फिर चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि रिपोर्ट आगे वहां पर दी जाएगी। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा ये तो देखना होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद उस पर कुछ फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमेटी प्रदेश के नेताओं से मिलेगी, हुड्डा, उदयभान, रणदीप सैलजा सबसे मुलाकात की जाएगी और
अपनी अपनी रिपोर्ट ये तमाम को दी जाएगी। जी नितिन, कौन कौन इस बैठक में शामिल था, क्योंकि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष भी शामिल होंगे, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचेंगे, लेकिन क्या अपडेट है, इस बैठक में कौन कौन मौजूद था और रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को इस बैठक से साइड रखा गया? देखिए, इस बैठक में अगर हम बात करें तो आज उसी जो पर्यवेक्षक थे या प्रभारी थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर हालांकि ये कहा जा रहा था कि इसमें और जो प्रभारी है या ये लगाए गए थे ऋषि अशोक है उनको अजय माथुर उन्होंने अपना मत कम किया कि अब एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना दी गई है, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी और आगे तमाम चर्चा करेगी, सबसे बात करेगी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी करेगी, कुमारी शैलजा से भी करेगी और अन्य नेताओं से भी बातचीत करेगी।